विठ्ठल माझी जिंदाबाद। श्री राम कुमार शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्रीमती रंजू गीता जी, सभा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ कि अगर कोई परिवार इससे अछूता रह गया, जिसको केंद्र सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा, हर उस व्यक्ति, हर उस परिवार को उसका लाभ मिले, इस बात को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी आदरणीय मंडल जी की होगी। इसीलिए साथियों, आज अंत में बस ये आग्रह करने आया हूँ, पुनः ये बोलूंगा, मुख्य धारा के साथ जुड़िए। केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार है, ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर भेजे जो जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर हम लोगों की समस्या का समाधान करे, प्रधानमंत्री जी से बातचीत कर बड़ी से बड़ी योजना अपने क्षेत्र में लाने का काम करे। इतना इज्जत शेड्यूल कास्ट को, दलित को कोई देने वाला है तो नरेंद्र मोदी जी है, और नीतीश कुमार भी कोई कम नहीं है। आप जानते हैं कि हम आपके सामने जो बोल रहे हैं, हम मुसहर समाज से आते हैं, और मुसहर समाज को मुख्यमंत्री बनाने का काम कौन किया, तो नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी भी दलितों के पुरोधा हैं और नीतीश कुमार भी दलितों का पुरोधा है। तो हम विशेष करके दलित भाइयों से कहना चाहते हैं, जो संविधान के नाम पर और जय भीम कह करके हमारा वोट जो होता है एनडीए का उसको नहीं दिलवाते हैं, उनसे सतर्क होने के लिए हम दलित भाइयों बहनों को कहना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए और आंख मूंद करके नीतीश कुमार जी को और नरेंद्र मोदी जी को आप वोट दीजिए, मत दीजिए, और उनका सिपहसालार, उनका प्रतिनिधि भाई कलाधर मंडल यहाँ पर हैं आपके सामने, इनको आप काफी वोट से जिताने का काम